चलिए हम पॉइंटर को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोग एरे का देखा था, क्योंकि एरे जब हैंडल करते हैं तो पॉइंटर का क्या रोल होता है। चलिए उसी एरे को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, एरे की कुछ टर्म्स जो बच गए थे उसे पहले कवर किया जाएगा, देन उसके बाद एरे से एक 1D एरे उसे कन्वर्ट किया जाएगा 2D एरे, मतलब 2D एरे और पॉइंटर के बीच में रिलेशन जाना जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं, पहले 1D में जो चीज रिमेनिंग है ठीक है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एरे लिया है जिसके अंदर 1D एरे जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है 1, 2, 3। इसका मतलब ये हुआ क्या कि आपके पास एक एरे क्रिएट हुआ जिसमें आपने 3 एलिमेंट स्टोर किए 1, 2, 3। अगर हम लोकेशन की बात करें, अगर सपोज पहले की लोकेशन 100 है, दूसरे की लोकेशन तब कितनी होगी इंटीजर है, तो अगर 2 byte लेता है ठीक है, तो 2 byte लेता है तो अगले की लोकेशन होगी 102, अगले की लोकेशन होगी 103। ओके, मैंने बताया था कि अगर ये एरे है विद सबस्क्रिप्ट ओके हैविंग साइज 3, तो अगर मैं केवल ए की बात करता हूँ तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। ओके, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे ठीक है इस क्वेश्चन की बात करें, हमने लिखा है एक एरे, मैं प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखा हूँ, प्रिंटएफ %d ठीक है, %d ठीक है, 2 बार %d लिखा हूँ, देन क्या लिखा हूँ ठीक है, ए एड्रेस ऑफ ए। ओके, यहाँ पे लिखा हूँ ए एंड दूसरा क्या लिखा हूँ, एड्रेस ऑफ ए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों सेम बेस एड्रेस को ही दिखाएंगे। होता क्या है कि अगर आप एरे लेके केवल ए लिखते हैं तो वो भी बेस एड्रेस बताता है, ओके, और एंड ए लिखते हैं तो भी बेस एड्रेस बता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। क्या डिफरेंस होता है, पहला क्या कहता है कि मैं केवल बेस एड्रेस ये बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फर्स्ट ब्लॉक के एड्रेस को, ओके, लेकिन एंड ए क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी जानिए। ओके, एंड ए क्या कहता है, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट अगर मेरी वैल्यू पूछी जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस तो बता रहा हूँ, लेकिन मैं रिप्रेजेंट केवल इस ब्लॉक को नहीं कर रहा हूँ, पूरे इस एरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, समझिए, एंड ए क्या कहता है कि मेरी जो वैल्यू है ठीक है वो क्या है, इस पूरे एरे का ठीक है एड्रेस तो मैं स्टोर कर ही नहीं सकता हूँ, मैं एड्रेस बेस एड्रेस को ही स्टोर करूंगा, लेकिन मैं रिप्रेजेंट क्या करूंगा ठीक है इस पूरे एड्रेस को, पूरे एरे को। ओके, लेकिन अगर मैं केवल ठीक है ए की बात करता हूं तो ए केवल क्या रिप्रेजेंट करता है ठीक है, ये बेस एड्रेस और केवल फर्स्ट ब्लॉक को ही दिखाता भी है। ओके, ये पूरे एरे को नहीं दिखाता। ऐसे समझिए कि अगर मैंने इस लाइन को ठीक है एग्जीक्यूट कराया ठीक है, इस लाइन की अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे एरे के फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, एंड ए क्या है ये भी फर्स्ट बेस एड्रेस ही बताएगा, लेकिन एंड ए किसे रिप्रेजेंट करेगा, पूरे एरे को ठीक है, और ए किसे रिप्रेजेंट करेगा, ओनली फर्स्ट ब्लॉक को। ओके, चलिए देखते हैं, रन कराइए, देखिए 312 312 दोनों बेस एड्रेस सेम आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगली लाइन में देखते हैं। ओके, अगली लाइन मैंने क्या लिखा है, प्रिंट है %d ए +1। ओके, मतलब ए के जितना एड्रेस है उसमें +1 करेंगे, तो अगर ए +1 करेंगे ठीक है, तो ये क्या 100% कौन सा ब्लॉक दिखाएगा, जस्ट आगे वाला 102। ओके, 102। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो समझिए ठीक है ये चीज है, अगर मैंने ठीक है इस सिंपल एरे में 100 लिखा, 102 लिखा, 104, मैं 2 byte की बात कर रहा हूँ, इंटीजर अगर 2 byte लेता है। ओके, तो पहले को ब्लॉक का हुआ ए, ये ठीक है तीनों एड्रेस हो गए 100 102 100, मैंने कहा ए, ए का मतलब हुआ फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, ओके 100, लेकिन अगर मैं ए +1 करूंगा तो ये मतलब क्या बताएगा, नेक्स्ट जस्ट इसके बगल वाला ब्लॉक, मतलब 100 + 1, और 100 + 1 आपको भी पता है 2 byte के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या दिखाएगा 102, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 102। ओके, लेकिन अगर मैं यही कह रहा हूँ एंड ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरे अगर मैंने लिया है गलती से मैंने एंड ए लिख दिया, तो एंड ए भी क्या बताएगा, क्या कहता कि मैं पूरे एरे को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है पूरा एरे मेरा ठीक है रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं सबका एड्रेस तो रख नहीं सकता हूँ, तो मैं केवल बेस का एड्रेस रखूंगा, तो इसीलिए एंड ए की वैल्यू भी कितनी आ रही है 100। अब लेकिन अगर आप एंड ए +1 करेंगे
तो ये नहीं बताएगा कि इसके जस्ट बाद वाला एड्रेस क्या है। वो क्या बताएगा कि ये पूरा एरे जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद ठीक है फिर अगला ठीक है 3 ब्लॉक का जो एरे बनेगा उसका एड्रेस क्या होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा एड्रेस बताएगा, 106 एड्रेस बताएगा। समझिए मैंने क्या कहा कि एंड ए क्या बताता है, पूरा एड्रेस एरे को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 3 ब्लॉक का एरे है ठीक है, तो ये तीनों ब्लॉक का, लेकिन ये तीनों ब्लॉक का तो एड्रेस रख नहीं सकता, तो केवल ये बेस एड्रेस रखता है, इसीलिए ये 100 दिखा रहा था। लेकिन जब आप इसमें +1 करते हैं ठीक है, तो ये क्या बताता है, अगले 3 ब्लॉक को बताता है, मतलब नेक्स्ट एरे ठीक है। नेक्स्ट एरे कौन सा है ठीक है, उसकी एड्रेस को रखेगा। लेकिन इसके पास भी कितने एड्रेस है, तुम्हारे पास कई सारे, 106, 108, 110, लेकिन क्या तीनों का एड्रेस रख सकता है, नहीं, तो इसमें से भी केवल बेस एड्रेस का एड्रेस रखेगा 106। ओके अब देखो इसमें मैंने कहा ठीक है कि अगर मैं एक और प्लस कर देता हूँ a+2, इस केस में केवल जब a लिया हूं, तो इस केस में जब +2 करूंगा ठीक है, तो 102 के जस्ट बगल वाली वैल्यू कितनी आएगी, 104। ओके कितनी आएगी, 104। ओके लेकिन अगर एंड ए प्लस टू करूंगा ठीक है, तो ये मतलब समझो एक एरे पहला जिसमें 3 ब्लॉक थे, फिर दूसरा ठीक है, और ये अब किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तीसरे वाले ठीक है एरे को जिसमें 3 ब्लॉक होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एंड ए, ये हो गया एंड ए +1 और ये हो गया एंड ए +2। ओके और यही रन करा के देख लीजिए ठीक है क्या है, इसे रन जब मैंने कराया तो खुद से देखिए। अगर पहले का पहला ए है एंड ए, दोनों सेम दिखा रहा होगा, देखिए 312 312। ओके ये देवसी है, तो देवसी में इंटीजर को कितना लेता है ठीक है, 4 बाइट। ओके देवसी में जो इंटीजर को स्पेस मिलता है दैट इज 4 बाइट। ओके तो ये 312 है, तो +1 किए हो गए तो इसका मतलब 4 बढ़ा होगा, 316। ओके ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट एड्रेस कितना होगा, 306। लेकिन जब आप एंड ए +1 किए होंगे तो ये +1 किसके बराबर होगा, इस एरे के टोटल साइज के बराबर ठीक है। +1 किसके बराबर होगा ठीक है, इस एरे के टोटल साइज के बराबर। तो इस एरे का टोटल साइज कितना है, ओके 3 एलिमेंट है। ओके एक एक एलिमेंट आपका कितना ले रहा होगा, ओके 4 4 बाइट, तो तीनों एलिमेंट लिए ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 4 12 बाइट। ओके इसीलिए ठीक है इसमें ठीक है 12 ऐड किया है ठीक है, तो 324। मतलब अगला एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, ओके वो पूरा एरे का फर्स्ट लोकेशन। ओके तो चलिए इस पूरे जो आउटपुट है उसी को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ओके इसे मैं देखिए मैंने क्या कहा कि जो पहला 3 एरे बना ठीक है, 3 ब्लॉक का एरे बना, ओके वो बना 312 316 और 320। ओके अगला 3 एरे जो बना के वो कैसे बना, 324 28 और 332। ओके फिर अगला कैसे बनेगा, ओके 3 एरे 36। ओके ये अगर मैं +1 करूंगा ठीक है, तो अगर मैं ए लिखता हूं तो ए बराबर कितना आएगा, 312 फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। ओके लेकिन अगर मैं एंड ए लिखता हूं तो एंड ए किसे रिप्रेजेंट करता है, इस पूरे एरे को रिप्रेजेंट करता है। ओके लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती, इस पूरे एरे में से केवल बेस एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करेगा, 312 हो गया। चलिए लेकिन अगर मैं ए +1 करता हूं तो ये क्या बताएगा, ओके जस्ट इस ब्लॉक के बगल वाली वैल्यू, मतलब इसके जस्ट बगल वाली, ओके दिस इज योर 306 316। ओके लेकिन अगर मैं इसमें +1 करता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये पूरा जब एरे खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो नया एरे 3 ब्लॉक का स्टार्ट होगा उसका बेस एड्रेस क्या होगा। ओके तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 324। ओके अगर मैं इसमें +2 करता हूं तो ये कितना आएगा, ओके देखिए +1 करने पे 316, +2 करने पे कितना आएगा, 320। लेकिन अगर इसमें एंड ए +2 करता हूं तो ये क्या बताएगा,
ओके, कि ये तीनों जब ब्लॉक फिनिश हो जाएंगे ठीक है, तो अगला जो स्टार्ट होगा एरे तीन ब्लॉक का, उसका बेस एड्रेस कितना होगा 336। ओके, तो एरे के केस में मुझे बस यही बताना था कि जब आप नाम लेते हैं तब तो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस बताता है, लेकिन जब आप उस एरे के साथ एंड लगा देते हैं तो वो बेस एड्रेस बताता है, लेकिन किसका, किसे रिप्रेजेंट करता है, पूरे एरे को। ओके, पूरे एरे को। तो जब उसमें आप प्लस वन करते हैं तो ये क्या कहता है कि मैं नेक्स्ट ब्लॉक जस्ट इसके बगल वाला नहीं हूँ, मैं कौन हूँ। जब ये तीनों पूरा एरे खत्म हो जाएगा तो अगला एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका बेस एड्रेस। ओके, प्लस टू करने पे ठीक है, जब पहला और दूसरा दोनों तीन तीन ब्लॉक खत्म हो जाएंगे तो अगला जो एरे तीन ब्लॉक का होगा उसका एड्रेस कहाँ से शुरू होगा। ओके, ये बताता है। और जरूरी नहीं है तीन ही हो, ठीक है, ये अगर इसकी संख्या मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ पांच, तो अब सोचो पहला क्या बता रहा होगा, बेस एड्रेस, दूसरा बेस एड्रेस। ओके, दोनों बेस एड्रेस, बस डिफरेंस क्या है, ओके, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, केवल पहले ब्लॉक को ही, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ठीक है, पूरे एरे को, पांचों, ठीक है, ब्लॉक को, लेकिन इसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी, पांचों ब्लॉक में से बेस एड्रेस को स्टोर किया होगा। चलिए रन करा के देख लीजिए, देखिए कितना है, 296। ओके, अगर इसमें मैं प्लस वन करता हूँ, ओके, इस बेस एड्रेस पे प्लस वन करता हूँ तो ये जस्ट उसके अगली वाले ब्लॉक को, ओके, मतलब इस ब्लॉक का एड्रेस 296 है तो इसमें चार ऐड किया होगा, मतलब कितना आया होगा, 300 आया होगा। लेकिन इसमें जब ऐड किया होगा तो वो कितना बढ़ा होगा, ये पांचों, ठीक है, मतलब 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। ओके, 296 + 20, ओके, मतलब कितना हुआ, 316। ओके, ये किसे बता रहा होगा कि ये पांचों जब खत्म हो जाएंगे तो अगला जो पांच ब्लॉक बनेगा उसका एड्रेस बताएगा। ओके, तो अगला पांच ब्लॉक का एड्रेस और उसमें से जो पहला बॉक्स होगा उसका बेस एड्रेस ये बताएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, देखिए रन करा के देख लीजिए, देखिए 296। ओके, एडजस्ट प्लस वन किया तो 300, लेकिन यहाँ क्या है, 296 प्लस वन करने पे क्या हुआ, ओके, वो पांचों खत्म होने के बाद कहाँ से शुरू होगा अगला एरे, पांच वाला, ओके, 316 से। ओके, और 316 पूरे पांचों का एड्रेस नहीं है, पहले ब्लॉक का एड्रेस है। ओके, अगर यहाँ, ठीक है, इतने में समझ में आ गया, ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, देखिए पॉइंटर को से मैट्रिक्स को हैंडल करना थोड़ा ज्यादा टफ है। ओके, तो मैट्रिक्स को आराम से समझिए कैसे चलता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की बात करते हैं, ज्ञानीश डाउट है तो चैट में लिख दो, जो डाउट है, जो भी क्वेश्चन डाउट में है ठीक है, तो उसको चैट में लिख दीजिए। मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, सबसे पहली बात जान लीजिए, ठीक है, मैट्रिक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ओके, मैट्रिक्स नाम की कोई चीज, ठीक है, सिस्टम में होती ही नहीं है। कंप्यूटर मैट्रिक्स को स्टोर कैसे करता है ये समझते हैं। दो तरीका होता है, या तो रो वाइज करता है, रो मेजर जिसे कहा जाता है, जिसने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा शायद याद होगा उसे, रो मेजर, और या तो कॉलम मेजर। रो मेजर का मतलब पहले रो को पहले वो पूरा एक साथ एक्सेस करेगा, उसको इस तरह सिस्टम में ले जाके रख देगा, तीनों रख दिया, फिर अगला रो, ठीक है, प्रोसेस करेगा, और इस रो को जब ये खत्म जहां से हो रहा जस्ट उसके बाद से अगले एड्रेस से तीनों को स्टोर कर देगा। ओके, ये पहला रो हो गया, जस्ट इसके बाद से दूसरा हो गया, ठीक है, और जस्ट इसके बाद से तीसरा आपका रो आ जाएगा, ये होता है रो मेजर। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, कॉलम मेजर। कॉलम मेजर का मतलब क्या होता है कि आप एक रो को एक साथ ना उठा के पहले एक कॉलम को पहले उठा लीजिए, इसको ले जाके मेमोरी में स्पेस दे दीजिए, तीनों को लगातार दे दिया, फिर अगले कॉलम को उठाइए, फिर इसको यहाँ पे जस्ट इसके बाद स्टोर करिए। ओके, ये चीज है। लेकिन मुझे ऐसा बात, ये तो डाटा स्ट्रक्चर की बातें हैं, ठीक है, मुझे बताना है कि एक्चुअली पॉइंटर से जब हैंडलिंग करते हैं मैट्रिक्स का तो होता क्या है। ओके, अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है, A3 क्रॉस 3। आपको शायद एरे याद होगा। ओके, एरे अच्छा, ठीक है, पहले इसे समझिए, उसके बाद फिर से मैं उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ओके,
एक बार इसे समझ लीजिए मैट्रिक्स का, ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, इसीलिए पहले इसे एक बार सही से समझ लीजिए, उसके बाद मैं वापस वो बेस एड्रेस एंड ए और ए वाला फिर से रिपीट कर दूंगा। चलिए इसकी बात करते हैं। आपको शायद एरे याद होगा, ठीक है, जब मैंने एरे पढ़ाया था तो एक लाइन लिखा था मैंने क्या, कि अगर हम एरे की बात करें सिंपल, तो एरे में ए आई और एंड ए आई को अगर पॉइंटर के रूप में लिखा जाए तो इसे क्या लिखा जा सकता था, ए प्लस आई, इसे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस आई, ओके, और इसे क्या लिख सकता हूँ, स्टार ए प्लस आई, ओके, याद है कि भूल गया, चलिए देख लेते हैं, ठीक है, देखिए यही है हमारा एरे, तो मैंने क्या बताया था, बेस एड्रेस कौन बताएगा, ए, तो अगला क्या होगा, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस थ्री, ओके, ए प्लस टू, ए प्लस थ्री, ओके, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस जीरो भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, चाहे ए प्लस जीरो लिखिए चाहे ए लिखिए, ओके, अब चलिए ये किसका एड्रेस है, ए जीरो का, ए प्लस जीरो, ठीक है, किसका एड्रेस है, ठीक है, ए जीरो का, ए प्लस वन, ठीक है, ए वन का एड्रेस है, ए प्लस टू, ए टू का एड्रेस है, तो सिंपली वही, ठीक है, देख रहे हैं जो इंडेक्स है वही प्लस में हो रहा है, तो वही लिख रहा हूँ, एड्रेस ऑफ ए आई कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका, ए प्लस आई, ओके, जब ये एड्रेस है तो इस एड्रेस से हम वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है, कि आप एड्रेस आपको पता है तो वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम आगे फिर से क्या लगा देते हैं, स्टार, तब ये अब एड्रेस ऑफ ए आई ने बता के क्या बताता है, ए आई, ओके, पहला कॉन्सेप्ट ये था हमारा। चलिए मैट्रिक्स में जान लीजिए, ठीक है, मैट्रिक्स टर्म में होता क्या है, ठीक है, जो पहला, ठीक है, इंडेक्स है, जैसे मान लीजिए ये क्या होगा, ए जीरो जीरो, ए जीरो वन, ए जीरो टू, ए वन जीरो, ए वन वन, ए वन टू, ए टू जीरो, ए टू वन, ए टू टू, यही होता है, ओके, तो जो पहला अगर केवल एक इंडेक्स की बात करें, ठीक है, ए जीरो, ए वन एंड ए टू, ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इस, ठीक है, रो के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस पूरे रो के, ठीक है, पहले ब्लॉक का एड्रेस कौन रिप्रेजेंट करता है, ए जीरो, और इसे हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो मेन चीज मैट्रिक्स में जाननी है कि अगर हम बात करें, ठीक है, कि ए जीरो, ठीक है, केवल अगर मैट्रिक्स में लिखा जाए, मैट्रिक्स में केवल एक सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाए, दूसरे सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल न किया जाए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट, ठीक है, रो के पहले ब्लॉक का एड्रेस, ओके, अगर ए वन कहा जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड, ठीक है, ब्लॉक के, ठीक है, सॉरी, सेकेंड रो के पहले ब्लॉक का एड्रेस, ओके, और ए टू क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपके, ठीक है, सेकेंड, थर्ड ब्लॉक के, ठीक है, पहले ब्लॉक का एड्रेस, ओके, और इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, ए प्लस जीरो, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ओके, ये भी, ठीक है, आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एड्रेस, ओके, ये तो पता ही हमें, ठीक है, कि ए होता है तो, ठीक है, बेस एड्रेस, ठीक है, ए प्लस वन जब करेंगे मैट्रिक्स के केस में तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये ए है तो ए प्लस वन करने पे ये अगले इस रो के ही अगले ब्लॉक का एड्रेस नहीं बताएगा, वो, ठीक है, अगले रो के ब्लॉक का एड्रेस बताएगा, बस यही चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम मैट्रिक्स में दोनों सबस्क्रिप्ट की जगह केवल एक सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बताता है, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, ओके, अगर, ठीक है, दूसरे की बात करें, ठीक है, तो वो भी क्या बताता है, ठीक है, सेकेंड ब्लॉक, सेकेंड रो के एड्रेस, ओके, और तीसरा, थर्ड, ओके, ए जीरो फर्स्ट का बताया, देख ये सेकेंड का, ओके, ए क्या बताता है, ठीक है, पहले रो का एड्रेस, तो ए प्लस वन क्या बताता है, अगले रो का एड्रेस, और ए प्लस टू भी क्या बताता है, अगले रो का एड्रेस, ओके, अब चलिए अगर हमें एलिमेंट एक्सेस करना है, ओके, समझते हैं, अभी अभी तो मैंने सिर्फ एड्रेस के बारे में बात किया, ठीक है, तो चलिए हम मैट्रिक्स को फिर से बना ले रहे हैं, ओके, और जान लेते हैं क्या है, ठीक है, पहले का एड्रेस हमें पता है, दैट इज ए जीरो, ओके, दूसरा एड्रेस पता है ए वन, और इसका एड्रेस पता है ए टू, हो गया, अब चलिए इस रो को मैं लिख रहा हूं, अगर मैं ए आई जे को पॉइंटर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, चलिए इसे तोड़ रहा हूं मैं, आपको भी पता है ए आई को क्या लिखा जाता है, ए आई बराबर क्या होता है मेरा, अगर मैं एरे की सिंपल बात करूं, ए आई किसको रिप्रेजेंट करेगा पॉइंटर के टर्म में, स्टार
ए प्लस आई पॉइंटर के रूप में किसे रिप्रेजेंट करेगा, स्टार ए प्लस आई, एंड ए आई किसे रिप्रेजेंट करेगा, ए प्लस आई। अभी इसके पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया ठीक है कि अगर आपको कभी भी ए आई की वैल्यू निकालनी होती है पॉइंटर में तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, स्टार प्लस ए आई ठीक है, एंड एंड ए आई किसके बराबर होता है ठीक है, ए प्लस आई के इक्वल। अभी मैं सिर्फ इसे सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं ए आई को रिप्रेजेंट करना चाहूं ठीक है तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, ए प्लस आई स्टार ए प्लस आई, ये हो गया। अब मेरा बचा है अभी जे, ओके जे स्टार ए प्लस आई जे, मतलब इस चीज को मैंने ठीक है तोड़ दिया ठीक है और इसकी जगह क्या लिख दिया, स्टार ए प्लस आई, हो गया। लेकिन अभी ये पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, अभी इसके साथ एक सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है ओके, मैं इसे भी पॉइंटर के रूप में तोड़ना चाहता हूँ, मतलब प्लस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ। तो कुछ इसको ऐसे समझो, अगर इसे मैं पूरे को ठीक है बी मान लेता हूं तो ये फॉर्मेट कैसे बन जाएगा मेरा, बी ऑफ जे, क्या बन जाएगा, बी ऑफ जे ओके। और बी ऑफ जे को ठीक है अगर मैंने कहा इसको मैं बी बराबर, लेट अस सपोज बी इज इक्वल टू स्टार ए प्लस आई ओके, तो इस पूरे की जगह मैंने क्या रिप्रेजेंट लिख दिया है ठीक है, बी लिख दिया ओके। तो ये जो इक्वेशन है मेरा वो किस में कन्वर्ट हो गया, बी ऑफ जे में ओके, ये किस में कन्वर्ट हुआ, बी ऑफ जे में ओके। अब इसे आप रिप्रेजेंट करिए ठीक है पॉइंटर के रूप में, इसे अगर पॉइंटर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो जाएगा, स्टार बी प्लस जे, क्या बन गया, स्टार बी प्लस जे ओके। डाउट है ठीक है पूछ लीजिए फिर से, देख लीजिए फिर से, मैं लिख रहा हूं ए ऑफ आई और जे, जैसे सिंपल ठीक है एरे का कॉन्सेप्ट है उसी समय से ठीक है मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे, सबसे पहले मैं ए आई को ठीक है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए आई का मतलब क्या हुआ ओके, ए आई को पहले हम पॉइंटर के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ए आई को हम क्या लिख सकते हैं भाई ओके, ए आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई, और ए आई जब लिखना हो एंड ए आई लिखना होता तो नहीं लगाते स्टार, लेकिन सिर्फ ए आई को तोड़ना है तो हमने क्या लिख दिया, स्टार ए प्लस आई ओके। और इसके साथ अभी जे है हमारे पास ओके, लेकिन ओके अब जे को सबस्क्रिप्ट हटा के मुझे प्लस फॉर्मेट में करना है, मतलब पॉइंटर फॉर्मेट में लाना है इसे ओके। तो मैंने क्या कहा कि इस वाले को आप बी मान लीजिए, तो ये क्या बन गया मेरा, बी ऑफ जे, बी ऑफ जे, तो बी मैंने किसे माना है भाई, स्टार ए प्लस आई को, स्टार ए प्लस आई मेरा क्या है, बी है ओके। अब बीजे को ठीक है फिर से रिप्रेजेंट करिए, तो अगर बीजे को पॉइंटर के में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, स्टार बी प्लस जे, हो गया स्टार बी प्लस जे। अब ठीक है बी की वैल्यू यहाँ पे ठीक है आप पुट कर दीजिए, पूरा ए आई जे की वैल्यू आ जाएगी ठीक है, तो बी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया ठीक है, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये पूरा चीज ओके। तो क्या बना, स्टार ठीक है स्टार ए प्लस आई देन प्लस जे, ये है आपका पॉइंटर ओके। अगर आप मैट्रिक्स को ठीक है पॉइंटर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो ये लॉजिक है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, पहले इस रो की वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा ओके, देन कॉलम को फिर से ब्रेक किया जाएगा। इसीलिए जब डबल स्टार लगेगा ओके पहले उस रो के एड्रेस के पास जाइएगा ओके, देन प्लस जे जीरो करेंगे तो ए जीरो जीरो की वैल्यू आएगी ठीक है, लेकिन जब स्टार लगाएंगे तब ये, वरना ये एड्रेस बताएगा ओके। फिर प्लस वन ठीक है जे की वैल्यू, लूप चलेगा आई और जे तो मेरा लूप चलेगा ही, वैसे ही एक एक करके वैल्यू रखेगा, स्टार स्टार लगता जाएगा ओके। डबल स्टार क्यों लगा, देखिए एक पॉइंटर की वैल्यू निकालने के लिए एक एरे के लिए एक एक स्टार लगता ही है मेरा ओके। डबल पॉइंटर है इसका मतलब डबल ठीक है आपको पॉइंटर लगाना ही पड़ेगा, लेकिन ये जब आसान, देखिए यही गड़बड़ कहाँ पे हो जाता है, मुझसे भी हुआ हो सकता है आप ही से नहीं, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे ओके।
जब ये लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ क्या कर दिया, ठीक है, ऐड करने के बाद ये किया, आपको इस वैल्यू को फिक्स रखना है, समझो। एक रो में चलने का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू, ठीक है, ए जीरो हमेशा ए जीरो ही रहे, यहाँ पे केवल जे की वैल्यू चेंज हो, ओके। अगर आप ये करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको, ठीक है, फिक्स रखिए, ओके, और केवल आप जे की वैल्यू को चेंज करिए, ये चीज है, ओके। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब ब्रैकेट कैसे लगेगा, ठीक है, कि पहले ए प्लस आई, ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू फिक्स रख देना, और प्लस इसमें जे की वैल्यू को बार बार क्या करते जाना, चेंज रख करते जाना, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई एंड जे, ओके। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अगर पॉइंटर के टर्म में लिखा जाए तो यही लिखा जाता है, ओके। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ओके, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए पहले यही क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, किसी लोग, कुछ लोगों को डाउट था, ओके। क्या कह रहा हूँ कि अगर सिंपल वन डायमेंशन एरे है, ठीक है, तो अगर वन डायमेंशन एरे है तो अगर हम ए लिखते हैं तो वो क्या बताता है, बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, क्या बताता है भाई, बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ओके। लेकिन अगर मैं एंड प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट करेगा, तो भी ये बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक ही प्रिंट करेगा, ओके। अगर मैं एंड प्रिंट कराऊं, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ बेस एड्रेस ही प्रिंट करेगा, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है वो समझिए, ओके। ये है ए, ये है ए, लेकिन ये पूरा है एंड, ये पूरा है एंड, ओके। अगर इसकी वैल्यू बत पूछी जाए, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले ब्लॉक का एड्रेस, इसके अंदर होता पहले ब्लॉक का एड्रेस ही है, बेस एड्रेस ही होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसे करता है, पूरे ब्लॉक, पांचों को, जितने भी एरे के है, पूरे एरे को रिप्रेजेंट करता है, ओके। लेकिन अगर केवल ए की बात करें तो ये फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस रखता भी है और दिखाता भी केवल इसी बॉक्स को है, ये पूरे एरे को नहीं दिखाता है। अगर हम इसमें प्लस वन करते हैं तो जस्ट इसके बाद वाला बॉक्स आता है, ओके। लेकिन जब आप एंड ए में प्लस वन करते हैं तो एंड ए दिखा किसे रहा है, इन पांचों को, पांचों सीट को दिखा रहा है, ठीक है, तो अगला सीट कहाँ से शुरू होगा, ठीक है, इन पांचों के बाद छठवें नंबर से शुरू होगा, वही चीज है। अगर ये एड्रेस हम बोल दे रहे हैं कि पहले का एड्रेस 100 है, दूसरे का 102 है, इसका 104 है, इसका 106 है, ठीक है, तो अगर मैंने एंड ए प्लस वन किया है तो वो कौन सी वैल्यू बताएगा, ठीक है, 102 नहीं बताएगा, वो कहेगा कि ये चारों के बाद जो अगली सीट शुरू होगी मैं उसका बेस एड्रेस बताऊंगा, वो क्या हो गया, 108, ओके। और इसके पास भी चार सीटें होंगी, चार सीटें हो गई, ओके, देन प्लस वन अगेन करोगे तो इन चार सीटों के बाद जो अगला शुरू होगा उसका एड्रेस बताएगा, ओके। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम मैट्रिक्स का क्वेश्चन डाल दें, चलिए ये है मैट्रिक्स पे भी सेम वही चीज है, ओके। यहाँ पे अगर मैं पूछूं ए क्या बता रहा होगा, ठीक है, तो ए क्या बता रहा होगा, पूरे मैट्रिक्स का बेस एड्रेस, और पूरे मैट्रिक्स का बेस एड्रेस क्या होता है, पहले ब्लॉक का एड्रेस, ओके। पूरे मैट्रिक्स का बेस एड्रेस क्या होता है, पहले ब्लॉक का एड्रेस होता है, ओके। इसका मतलब ए क्या बता रहा होगा, चलिए मैट्रिक्स के फॉर्मेट में देख लेते हैं हम लोग, वैसे मैट्रिक्स होता तो है नहीं, चलिए अगर ये मैट्रिक्स है तो ए क्या बता रहा होगा, चलिए ये है ए, यही इसी का एड्रेस ए बता रहा होगा, लेकिन एंड ए क्या बता रहा होगा, एंड ए क्या बताता है, इन बारहों मैट्रिक्स का, ठीक है, वो रिप्रेजेंट, मतलब इन जितने भी नौ एलिमेंट को, ठीक है, नौ ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। एंड ए क्या कहता है कि मैं किसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब मेरे पास, ठीक है, टोटल कितने ब्लॉक्स होंगे, 9 ब्लॉक्स, लेकिन मैं 9 का तो एड्रेस रख नहीं सकता हूं, तो मेरे अंदर भी एड्रेस तो पहले ब्लॉक का ही होगा। लेकिन अब वही अंतर, जब इसमें प्लस वन करेंगे मैट्रिक्स में तो ये क्या बताएगा, अगले रो का एड्रेस बताएगा, ये पता है ना, ठीक है, अभी बताया था मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स में अगर पहला, ठीक है, एड्रेस ए है तो ए प्लस वन, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये वाला बॉक्स हो जाएगा, ए प्लस वन किसे बताएगा, अगले रो का एड्रेस, ओके। लेकिन इसमें जब प्लस वन करेंगे
तो ये क्या कहेगा कि ये 9 एलिमेंट जब खत्म हो जाएंगे तो अगला जो मैट्रिक्स शुरू होगा 3x3 का, ओके, उसके पहले बेस का एड्रेस रखेगा। ये चीज समझिए क्या कह रहा है कि ए नाम का अगर आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं केवल ए बोलता हूं तो ए तो हमेशा बेस एड्रेस ही बताता है, ओके, ए हमेशा क्या बताएगा, बेस एड्रेस, ओके, और एंड क्या बताएगा, इसके अंदर भी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे मैट्रिक्स के बेस का एड्रेस होगा, ओके, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसे करेगा, इन पूरे मैट्रिक्स को। तो जब इसमें +1 करोगे तो जो नया एड्रेस आएगा वो क्या होगा बाबू, ठीक है, इन 9 ब्लॉक के बाद जो अगला मैट्रिक्स होगा 9 ब्लॉक का, उसके पहले बेस का एड्रेस, ओके। लेकिन अगर ए में +1 किया जाए, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, अगले रो, उसी मैट्रिक्स के अगले रो का एड्रेस बताएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, देखिए रन कराया, ठीक है, चलिए रन कराते हैं। पहले मैं केवल देखते हैं दोनों को, एंड ए और ए क्या प्रिंट कर रहा है, ओके। ए का मतलब इस पूरे मैट्रिक्स के पहले का एड्रेस, ठीक है, पहले का बेस एड्रेस इसके अंदर होगा, एंड ए, ठीक है, रिप्रेजेंट तो पूरे मैट्रिक्स को कर रहा होगा लेकिन इसके पास भी एड्रेस किसका होगा, इसी बेस एड्रेस का, क्योंकि ये सबका एड्रेस रखेगा, रख नहीं सकता है, केवल एक ही का एड्रेस रखेगा, दैट इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके। लेकिन ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा होगा, इस पूरे को। तो चलिए इसे रन कराते हैं, ओके, देखिए 280 280 एकदम सही है। अब याद रखिए, ठीक है, दिमाग में कितना है, ठीक है, 280, मैं नोट कर ले रहा हूँ, 280, ओके, 280 ये किसकी वैल्यू है, ओके, एंड ए की, और ये किसकी वैल्यू है, ए की, ओके। अब ए प्लस वन अगर इसमें किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, और ए प्लस वन एंड ए प्लस वन किया जाए तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ओके। थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे, देखिए अगर इसमें भी ए प्लस वन किया जाए तो ये मत सोचिएगा जस्ट इसके बाद वाला एड्रेस है, वो अगले रो का, मतलब इस रो के पहले ब्लॉक का एड्रेस रखेगा, ओके। अगर ए इस पहले रो का, जीरोथ रो का रख रहा है, ठीक है, तो ये क्या रखेगा, ठीक है, ये फर्स्ट रो का, मतलब, और प्लस वन करोगे तब इसका, मतलब ए प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी। अब देखते हैं कैसे रखा होगा, चलो कितना है, 280 है, ओके, देव सी है तो 4 बाइट रखेगा, तो 280, तो अगला वाला क्या होगा, 284, 88, 92, और ये कितना हुआ, 96, मतलब ये होगा 296, ए प्लस वन की वैल्यू होगी 296, ओके। अगले रो का जो पहला स्टार्ट हो रहा है, कैसे 296 हो रहा है, क्योंकि आप देखिए इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो पहला 280 है, तो अगला क्या हो गया, 284, 88, 92, और यहाँ आया तो 96, ओके, ये हो गया, तो ए प्लस वन की वैल्यू यहाँ 96 आएगी। चलिए हम रन करा के देख ले रहे हैं, ठीक है, क्या 96 आ रहा है, रन कराया मैंने, हाँ देखिए कितना आ रहा है, 296, 280, देखिए बेस एड्रेस है और ये 290। लेकिन अगर इसमें +1 करें, ठीक है, तो ये समझिए ये 296 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, ओके, चलिए कैसे देखा मैंने, ये 80 है, ठीक है, 80, ठीक है, 84, 88, 92, 96, 300, 304, 308, 312, 16, 20, 24, 24 पे लास्ट वाला है, तो अगला वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ, 328, ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 328, देखिए प्रिंट कराया, देखिए 328, ओके। अब ये मैं ऐसे जो काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे। देखिए पहला वाला पता है मुझे 280, ठीक है, कितने टोटल एलिमेंट है इसमें, 12, ठीक है, 12 एलिमेंट है, तो टोटल साइज कितनी हुई, ठीक है, टोटल साइज कितनी हुई, 12 × 4 48, ओके, तो 280 प्लस आप 48 डायरेक्ट कर दीजिए, कितना आ गया, 328, मतलब अगला एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, 328 से, ओके। तो एक एक काउंट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे रन कराया, ओके, देखिए 296 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये अगले रो का एड्रेस है, ठीक है, और ये 328 कैसे आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स के बाद अगला मैट्रिक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 228 से, ओके। तो ये है दोनों का मतलब।
चलिए, लेकिन यही ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, कि एंड ए करते हैं तो क्या होता है, ए करते हैं तो क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक, मैट्रिक्स याद रखिए, ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में मैं दो तीन फैक्ट बताया है, ठीक है, पहला, ओके, पहला फैक्ट क्या है भाई कि अगर हम ए जीरो लिखते हैं, दिस इज माई मैट्रिक्स, तो ए जीरो क्या रिप्रेजेंट करता होगा, ए जीरो क्या बताता होगा, पहले ब्लॉक का एड्रेस, ओके, ए जीरो क्या बताता होगा, पहले ब्लॉक का एड्रेस, ए क्या बताता होगा, ठीक है, ये भी पहले ब्लॉक का एड्रेस, ओके, ए वन क्या बताता होगा, ठीक है, अगले रो का एड्रेस, ओके, ये ए प्लस वन क्या बताता होगा, ये भी इसी ब्लॉक का एड्रेस, ओके, ए प्लस टू, इसका समझ में आ गया, तो ये चीज है। अब ठीक है, इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ए जीरो प्लस वन, ए जीरो क्या बता रहा होगा, ठीक है, पहले ब्लॉक का एड्रेस, क्या बता रहा होगा, पहले ब्लॉक का एड्रेस, ओके, प्लस वन, ओके, पहले ब्लॉक का एड्रेस प्लस वन, ठीक है, अगर इसे रन कराएं, ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, 284, ओके, क्या आ रहा है, 284, अगर मैं प्लस वन हटा देता हूं तो ये केवल किसे रिप्रेजेंट करेगा, पहले ब्लॉक का एड्रेस, दैट इज 280, ओके, क्या हो रहा है, 280, ठीक है, तो अगर आप, ठीक है, ए जीरो की बात कर रहे हैं तो ए जीरो मेरा क्या बता रहा है, पहले ब्लॉक का एड्रेस, ठीक है, और प्लस वन मतलब जस्ट उसके बाद का, ओके, समझो, ए जीरो मतलब ये, ठीक है, इसका एड्रेस, और जब प्लस वन करोगे तो क्या बताएगा, अगले ब्लॉक का एड्रेस, ये नहीं कि ए जीरो प्लस वन किए, ठीक है, तो अगला रो दिखाने लगेगा, ये ध्यान में रखिए, ए जीरो प्लस वन अगला रो नहीं बताएगा, अगला रो कौन बताएगा, ए वन बताएगा, ओके, ए जीरो में आप जब कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू जोड़ेंगे तो उसी रो में आप आगे मूव कर